अगली खबर इंदौर से आ रही है, जहां एक 12 वर्षीय बालक द्वारा खंडवा की 15 वर्षीय किशोरी के साथ रेप के द्वारा जन्मी बच्ची के मामले में आरोपी की भले ही जमानत हो गई हो, लेकिन इस केस में मासूम दुधमुही बच्ची की फजीहत हो गई है। उसकी नाबालिग माँ और उसके परिजन उसे अपनाने को राजी नहीं है। उन्होंने अस्पताल व पुलिस को साफ इनकार कर दिया है कि वे उसे रखना नहीं चाहते। इसके चलते मासूम को अस्पताल से खंडवा के एक शिशु गृह में रखा गया है। इस मामले में जांच इंदौर पुलिस कर रही है। नाबालिग माँ अब उसके खंडवा स्थित घर पर है। खंडवा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष विजय सनावा ने बताया कि उक्त नवजात बच्ची एक शिशु गृह में है तथा समिति की देखरेख में है। मामले में समिति में एक पत्र चाइल्ड लाइन को लिखा है कि वह उनसे संपर्क कर उन्हें बाल कल्याण समिति के पास लाएं या फिर उनके घर जाकर किशोरी व उनके परिजन की काउंसलिंग करें। इसके लिए एक हफ्ते का समय भी दिया गया है। इसके लिए 20 नवंबर तक की तारीख दी गई है। ऐसे में अब सोमवार को स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। अगर वे बच्ची को रखना चाहें या नहीं, दोनों ही स्थिति में उनसे आवेदन लिया जाएगा। अगर वे बच्ची को रखना चाहते हैं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत बच्ची सौंपी जाएगी। अगर वे नहीं रखना चाहते तो उन्हें 2 माह का समय दिया जाएगा। इसके बाद बच्ची शासन को सरेंडर कर दी जाएगी। इसके बाद बच्ची सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी के माध्यम से गोद दी जाएगी। उधर नाबालिग माँ का उसके परिजन किसी भी स्थिति में बच्ची को रखने को तैयार नहीं है। वे कई बार कह चुके हैं कि यह बच्ची अस्पताल रख लें, किसी को गोद दे दें या खुद सरकार रख ले। दूसरी ओर चाइल्ड लाइन के काउंसलर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची उनकी जैविक संतान है। दूसरी ओर शिशु गृह में बच्ची का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उसे मिल्क बैंक के माध्यम से दूध उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वह कुपोषण का शिकार ना हो। उधर इस मामले में करीब 15 दिन पहले इंदौर पुलिस ने नाबालिग माँ, आरोपित 12 वर्षीय बालक और नवजात बच्ची का DNA सैंपल करवाए थे, जिनकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। रिपोर्ट आने के बाद अधिकृत से जैविक संतान होने की पुष्टि हो सकेगी। रिपोर्ट आ भी गई तो कोर्ट सुनवाई में काफी समय लगेगा। इसके बाद कोर्ट के निर्णय पर सारी स्थिति निर्भर होगी। खंडवा की रहने वाली 15 साल की लड़की 7-8 महीने पहले इंदौर में मौसी के घर आई थी। उसका आरोप है कि कॉलोनी में ही रहने वाले 13 साल के लड़के ने अकेला पाकर उससे रेप किया। उसे पता ही नहीं चला कि उसके साथ कितना गलत हो गया। राखी पर वह इंदौर से खंडवा लौट गई। यहाँ दिवाली के दिन सफाई करते समय वह गिरी और पेट दर्द हुआ। अस्पताल ले गए तो वहाँ उसने बेटी को जन्म दिया। तब रेप का खुलासा हुआ। वर्तमान में किशोरी अपने घर पर है, जबकि बालक की भी जमानत हो गई है।